Today's our noble lineage will be presented in Hindi and English with subtitles in Arabic, Olexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. शांति प्रेमी दर्शकों, यहाँ सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर हमारी विवेकवान वंशावली में स्वागत है। आज हमारे साथ यात्रा करें जब हम जैनवाद की घनी परंपरा और प्राचीन ज्ञान को खोज रहे हैं, एक मोहक और अनंत धर्म जो आज भी उतना ही उचित है जितना लगभग 5000 वर्ष पूर्व अपनी उत्पत्ति के समय था। आज हम महानगर शिकागो के जैन समाज के 4 उत्कृष्ट सदस्यों द्वारा जैनवाद के पवित्र धर्म ग्रंथों, अभ्यास और विधान पर हमारी यात्रा में हमारे मार्गदर्शक के रूप में होने के लिए सम्मानित हुए। बाद में उनके साथ शिकागो में उनके खूबसूरत मंदिर में एक अपकर्षी शाकाहारी भोज और उन्नयनकारी भक्तिमय जाप में जुड़ेंगे। जय जिनेन्द्र। टुडे यू आर हियर एट जैन सोसाइटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन शिकागो इन होल मिडवेस्ट एरिया। दिस इज द फर्स्ट टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1993। And today, since 1993, we are almost more than 1,700 membership. जैनवाद एक दर्शन है जो सभी जीवों के प्रति अहिंसा के पथ की सलाह देता है। इसके भारत में 42 लाख अनुयायी हैं। इसकी शिक्षा विश्व भर में पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सुदूर पूर्व और अन्य जगहों पर बढ़ते समुदाय की स्थापना के साथ फैली चुकी है। जैनिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन बिकॉज व्हाट जैन्स वी बिलीव जीना इज द वन हु लिव्स इन द बॉडी बट हु लिव्स बियॉन्ड सेंसेस। वी टेस्ट, वी स्मेल, वी टच, दैट्स दोज आर ऑल सेंसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव इन अवर बॉडी एंड दैट्स हाउ वी गेट कंज्यूम्ड। वी लिव इन ईगो और ए कॉल फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। I call myself what being called Ashok, or I call myself what I own. I call myself by what I achieve. I call myself what other people think of me. So these are all false identifications. I live my life every day based on what I consume, how I feel, and that's how I react. More reactions I have, more accumulate atoms from the universe I collect, because I'm a pure energy, and it's called mastership. The master within us, a driver in the car or a commander of the ship, that's called the master, and that's called Jina, and that's what we follow. जैन लोग मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्ति की तलाश करते हैं। जैन अभ्यासी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न पंच नैतिक सिद्धांतों के पालन द्वारा करते हैं, जो विचार, वाणी और कार्य को नियंत्रित करता है। ये 5 सिद्धांत है: अहिंसा या अहिंसा, सत्य या सत्य पूर्णता, अस्तेय या चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य या कुंवारापन, और अपरिग्रह, अलगाव या अलगाव। इन सिद्धांतों के निरंतर अभ्यास और एकाग्रता से अभ्यासी अपनी आध्यात्मिक प्रगति को तेज करता है और अंततः दिव्य चेतनता और मुक्ति की स्थिति में लौटता है, संसार के चक्र या मृत्यु और पुनर्जन्म से सदा के लिए मुक्ति। And all our rituals basically trains us how to stay away or how to get rid of your emotional garbage. You get rid of your garbage every day, we release it. And that's normally people call it karma. Every time you have an emotion, you have a reaction, you have a thought, your thought becomes things because your thoughts create emotions. Those emotions goes into the universe and attracts physical atoms to you. And that's what we call karma. So basically Jainism is a way of living, going back to divine within, find out who you are and regain your mastership and control your senses and go beyond. जैनवाद की जड़ें प्राचीन भारत में 24 तीर्थंकरों, गुरु या पैगंबर की परंपरा से जुड़ी हुई है। प्रत्येक तीर्थंकर ने जैन दर्शन की समान शिक्षा दी है, अपने समय के युग और संस्कृति के अनुकूल। महावीर यानी महान नायक लगभग 550 ईसा पूर्व पैदा हुए, जो आखिरी तीर्थंकर थे।
प्रत्येक तीर्थंकर ने प्रेम और द्रोणा, सुख और दुख, लगाव और द्रोणा पर विजय प्राप्त की और ज्ञान प्रतिज्ञान सत्य को रोक रहे कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त किया है। As we have being a Jain, we have 24 masters or the messiahs or the messiahs like Jesus. They come in a cycle of time. The last Tirthankar we call was Mahavir. Mahavir means, Vir means courageousness. When you need a great courageousness, it's called Mahavir, the person who came, conquered his senses. पांच नैतिक सिद्धांत या महान प्रतिज्ञाएं जैन भिक्षुणियों और भिक्षुओं द्वारा बहुत कठोरता पूर्वक और कभी कभी अक्षरशः पालन किया जाता है। सज्जन जैन भिक्षुओं की खूबसूरत छवि अपने पथ में छोटे कीटों का नुकसान टालने के लिए घुटनों के चारों ओर घंटी बांधना बहुत द्वारा जाना जाता है। आज जैन भिक्षुओं के कुछ मत अभी भी नंगे पाँव चलते हैं, अलगाव की प्रतिज्ञा में विश्वास के साथ कुछ साथ में कपड़े की उपेक्षा भी करते हैं या बहुत सामान्य बिना सिला सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। धर्म के नए सदस्य कम संयमी तरीके से प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं जो सेवा और भक्ति के उनके जीवन को समाविष्ट करता है और साथ ही उनको अपने सांसारिक कर्तव्यों को करने की अनुमति भी देता है। अहिंसा की प्राथमिक प्रतिज्ञा के पालन में नए सदस्य उन आजीविकाओं और पेशों को चुनने के प्रति सावधान रहते हैं जो हिंसा के सभी रूपों की उपेक्षा करता है और जो जीवन का सम्मान और रक्षा करता है। And he taught us the way of non-violence, non-stealing, and getting rid of like lust, anger. These are the things he has taught us, and he has been almost 2600 years, and we are still following. And this is the one of the richest community in India, as well as one of the richest ethnic community in USA. But we are totally non-violent, and all our rituals are based on compassion and unconditional love. अहिंसा और करुणा की उनकी मान्यता के अनुसार सभी भक्त एक कठोर शाकाहार का पालन करते हैं, जड़ वाली सब्जियों को भी खाने की उपेक्षा करते हैं क्योंकि उसकी कटाई भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त जड़ वाली सब्जियां जैसे प्याज और लहसुन नहीं ली जाती क्योंकि वे इंद्रियों को उत्तेजित कर सकती है। जैन अनुयायी आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत ज्ञान में सुधार आत्मनियंत्रण और भक्तिपूर्ण अभ्यासों द्वारा करते हैं जैसे उपवास, प्रार्थना, धर्मग्रंथ पढ़ना, ध्यान करना और जरूरतमंदों को दान देना। जैनियों के तीन रत्न या त्रिरत्न सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन अभ्यासकर्ताओं को मुक्ति का पथ प्रदान करता है, उस स्थिति में लौटने के लिए जहाँ आत्मा अपने कर्मीय बंधनों को पूर्णतः त्याग देती है और दिव्य चेतनता का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। Basically, essence of the story is that when you are in your beingness, when you are in divinity, when you are bliss, you are not connected with your body. You don't have any senses of body, and you don't even feel pain, pleasure, hunger, thirst, sleep, nothing. But when you are living in your body sense, you feel all these pains and gains, pleasure and non-pleasure feelings. And those feelings, again, as I said, creates emotions. Emotions creates attachments and aversions, and that's what attracts physical stuff in your life. There are lots of people, they are disciplined, they call tapas. Tapas means they do penance. They go for fasting for a few days. It's a discipline. धर्मनिष्ठता के लिए जाने जाने वाला धर्म जैनवाद बहुत सी आम अवधारणाओं और अभ्यासों को व्यापक रूप से ज्ञात पूर्वी धर्म हिंदूवाद और बौद्धवाद के साथ बांटता है। कुछ शब्द जैसे निर्वाण, संसार, अहिंसा और कर्म हम में से बहुत अपने दैनिक शब्दकोश में प्रयोग करते हैं और उनका मूल इन महान पूर्वी परंपराओं की शिक्षा धर्मग्रंथों और अभ्यासों में मिलता है। Once you are fasting, your mind becomes empty. When your mind becomes empty and you are disciplining your body and your thought process, you go into the meditation, state of meditation, and you become more accomplished. You can put your focus on something and things comes to you. It becomes an effortless accomplishment.
And beyond that, when you go, it becomes unconditional love. And that's what Mahavir taught, unconditional love. When you love somebody, compassion would come from your heart. And you don't have to practice. It becomes a way of life. महात्मा गांधी ने अपना बहुत अधिक समय अपनी युवा आयु में जैन भिक्षुओं के साथ व्यतीत किया और उनकी ईमानदार तथा शांतिपूर्ण संरक्षक जीवन की शिक्षा द्वारा गहरे प्रभावित हुए। यह जैन शिक्षा उनके शांतिपूर्ण अहिंसात्मक विरोध के दर्शन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। When you said about non-violence and unconditional love, everybody heard about Mahatma Gandhi. With his own power, a person with a small piece of cloth on his body and having nothing, he simply kicked out British Empire from India by non-violence. And that's the power of non-violence. It's a living example for us. जैनवाद के विचारों ने सदियों से संस्कृति की समृद्धि और आत्मज्ञान के लिए योगदान दिया है। अनिरंकुशता या दूसरी मान्यताओं और दर्शनों के प्रति खुली मानसिकता के जैन सिद्धांत का अपना मूल अहिंसा के सिद्धांत में है। यह अहिंसा है जो विचारों के धरातल पर लागू होता है। विभिन्न विचार को स्वीकार करने और विरोधी विचार बिंदुओं को समझने की इच्छानुकूलता ने इसको धार्मिक सहनशीलता और प्राचीन तथा आधुनिक समय दोनों में अंतर्मत रिश्तेदारी की चेतनता में भारी योगदान दिया है। जैन परंपरा लंबे समय से हमारे ब्रह्मांड की भौतिक प्रकृति के बारे में अंतरंग ज्ञान रखने वाली रही है। जैसे सूक्ष्म जीवन रूपों का अस्तित्व, हमारे जगत की संरचना और हमारे ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में जीवन में विश्वास, ये विचार जिसे एक बार पागलपन समझा जा सकता है, बढ़ते रूप से स्वीकार्य सत्य के रूप में सामने आए हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नति आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ रही है, हम अशोक संघवी और महानगर शिकागो के जैन समाज के सदस्यों के आभारी हैं, जैन परंपरा के शांतिपूर्ण प्रेममयी और जीवन सम्मान के ज्ञान और अभ्यासों के बारे में आत्मज्ञानी अंतर्दृष्टि हमारे साथ बांटने के लिए। भद्र दर्शकों, आज आपके साथ के लिए आपको धन्यवाद। कृपया अगले रविवार 4 दिसंबर को हमारी विवेकवान मंचावली में जैनवाद की खूबसूरत परंपरा पर हमारे कार्यक्रम के भाग दो के लिए हमारे साथ जुड़ें। सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर आने वाला अगला कार्यक्रम है गुरु और शिष्यों के मध्य। आशा है सभी जीवों के प्रति पवित्रता और सभी जीवों के लिए सम्मान की हमारी समझदारी कह रही हो। Gentle viewers, thank you for your company today. Please join us next Sunday, December 4, on our novel lineage for part 2 of our show on the beautiful tradition of Jainism. Up next is Between Master and Disciples on Supreme Master Television. May our understanding of the sacredness of all life and respect for all beings be deepened. For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL.